कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैदा करने के बाद जो नेमतें हमें अता फरमाता है वो दो तरह की नेमतें हैं। एक वो नेमत है जो आम है। आम नेमतों का ये मतलब है कि इस नेमतों की हुसूल में ईमान और कुफ्र अपना कोई असर नहीं दिखाता है। आम नेमतों का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन और काफिर सबको अता करता है। कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार है और कौन अल्लाह का नाफरमान, ये आम नेमतें हैं। बारिश का बरसाना, इसका ताल्लुक अहले ईमान ही से है ऐसा नहीं, सबों से इसका ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा को पैदा किया, अल्लाह सुबहान व तआला ने हवा को रखा, ये सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सारे लोगों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान है। अर्रहमान और अर्रहीम में अहले इल्म जो फ़र्क बतलाते हैं उनमें से एक फ़र्क ये भी है कि अर्रहमान के अंदर रहीम का जो माना है वो ज़्यादा वसी माना है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। अर्रहीम के अंदर जो रहम का माना है वो अहले ईमान के लिए ख़ास है। अल्लाह सुबहान व तआला की ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं जो आम हैं, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताबें नाजिल फरमाईं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को मबऊस किया, नबियों को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताबें नाजिल की वो एक रहमत है अल्लाह की। नबियों को भेजना वो अल्लाह की एक रहमत है, वो रहमत ख़ास नहीं है, वो रहमत आम है। अल्लाह ने कुरान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक रहमत है, अल्लाह सुबहान व तआला का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है, आम रहमत है, वो आम नेमत है ये रब्बुल आलमीन की। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत अता की, आफियत अता की, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नेमतें हैं जो आम है, ख़ास नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को इस्लाम की हिदायत देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी से राज़ी हो जाता है, अल्लाह सुबहान व तआला किसी को अपने करीब कर लेता है, ये वो नेमत है जो ख़ास है, जो सबको अता नहीं की जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन शरीयत का इल्म, उसका फ़हम अता फरमाता है, ये रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नेमत है जो सबको अता नहीं की जाती है।